हरियाणा है, लेकिन इसके पहले उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की क्या हालत है इस बारे में जरूर विचार करें। और 100 वर्षों का इतिहास मुंबई की फिल्म सिटी का है, ऐसे कोई से छीन कर नहीं ले जा सकता। आप किसी चीज को लेने कहां आए अभी, हम लोग तो नया बना रहे हैं, जिसमें आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? हम लोग तो नई चीज दे रहे हैं और वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं हर व्यक्ति को। इसलिए हर व्यक्ति को बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ी सोच पैदा करनी पड़ेगी और बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेगी। जो दे पाएगा वो वहां जाएंगे, उत्तर प्रदेश इसके लिए तैयार है। देखिए, कोई किसी चीज को लेके नहीं जाता है, ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स होगा कोई निकाल करके लेके चला जाए। ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है, जो सुरक्षा का माहौल दे सके, बेहतर सुविधा दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा, और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उस प्रकार का वातावरण जिस वातावरण में हर व्यक्ति कार्य कर सके, कोई भेदभाव किसी के साथ ना हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए और आज की आवश्यकता के लिए उस प्रकार का माहौल देने की आवश्यकता है। मुंबई फिल्म सिटी मुंबई में काम करेगी, उत्तर प्रदेश के अंदर नए माहौल के रूप, नई आवश्यकता के रूप, नई फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई हो रही है। स्वाभाविक रूप से इस फील्ड के जो भी विशेषज्ञ हैं, जो दिग्गज हैं, उनके अनुभव का लाभ लेना, उनके अनुभव के माध्यम से, उनके सुझाव के माध्यम से उस प्रकार की सुविधा देना और उस सुविधा के माध्यम से किस प्रकार का मॉडल हम आगे खड़ा करें कि हम उसको केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए ना बनाकर एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी के रूप में डेवलप कर सके। इस दृष्टि फिल्म जगत से जुड़ी हुई विभूतियों के साथ मैंने बातचीत की है, उस संवाद को आगे बढ़ाया है। ना हम लोग किसी के निवेश को चिंता कर रहे हैं, न किसी के विकास को बाधित कर रहे हैं। हम लोग विशुद्ध रूप से हम सबका उद्देश्य एक ही है, भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी के रूप में डेवलप हो। प्रधानमंत्री मोदी जी के उस प्रयास में हर राज्य अपना अपना योगदान दे रहा है, उत्तर प्रदेश अपना योगदान उस रूप में देने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। और उसी इकोनॉमी की दृष्टि से निवेशकों को आकर्षित करने, ये कोई पिक एंड चूज नहीं है। सरकार ने अपने सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई है, उन पॉलिसीज को ध्यान में रखकर के कोई निवेशक निवेश करता है। इसके लिए लैंड बैंक चाहिए, इसके लिए पॉलिसी चाहिए, इसके लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए, इसके लिए सरकार की नियत भी साफ हो, ये भी बहुत इस पे निर्भर करता है। क्योंकि विश्वास महत्वपूर्ण होता है, सरकार की स्टेबिलिटी भी महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें निवेश की संभावनाएं आगे बढ़ती है। इन सभी चीजों को लेकर के सरकार अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। और इसलिए मैं आया था तो मैंने कहा म्युनिसिपल बॉन्ड के बहाने सभी कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे। एक सवाल यही था कि शिवसेना के तमाम नेता हैं जैसे संजय राउत हैं, मनसे ने विरोध किया है, सब लोगों ने विरोध यहाँ पे काफ़ी जताया है। कांग्रेस बोल रही है कि हमारी इंडस्ट्री को छीन के लेके जा रहे हैं, तो इस पर क्या जी जी देखिए, मुंबई की फिल्म सिटी कहीं नहीं जा रही और बॉलीवुड के लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। सिर्फ बॉलीवुड के लोग जो निर्माता निर्देशक डायरेक्टर्स हैं, ये शूटिंग करने जैसे गोवा जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, लंदन जाते हैं और उत्तराखंड जाते हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश जाएंगे। तो जिसको जहाँ सुविधा ज़्यादा मिलेगी, फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलेगी, तो लोग जाके वहाँ शूटिंग करेंगे। आपके हिसाब से कोई छीना झपटी नहीं? ये बिल्कुल नहीं। देखिए, मुंबई की फिल्म सिटी में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग भी होती है, अवधी फिल्म भी बनती है, गुजराती फिल्म भी बनती है, हिंदी भी बनती है। इसी तरह से नोएडा वाली फिल्म सिटी में मराठी फिल्म की शूटिंग भी हो, कन्नड़ फिल्म की शूटिंग भी हो, तमिल भी हो, वहाँ भी खूब चले, यहाँ भी चले। अलग थोड़ी है, तो सब एक ही देश में।
राजू जी, वर्ल्ड क्लास की जब फिल्म सिटी होगी तो मुंबई की फिल्म सिटी तो उससे नीचे हो जाएगी, फिर आप लोग वहाँ जाएंगे ही जाएंगे फिर? नहीं, कोई साजिश हो रही है? वही मैं मांग कर रहा हूँ कि यहाँ की फिल्म सिटी को अभी और इम्प्रूव करनी चाहिए और हाईटेक करनी चाहिए मुंबई की फिल्म सिटी को, और मुंबई में और फिल्म सिटी बनानी चाहिए। हालांकि मुंबई में अब जगह बहुत कम है, सब कंजेस्टेड हो गया है, लेकिन लंबाई में बढ़ रहा है, तो उधर एक बड़ा सा स्टूडियो बनाने की ज़रूरत है। और क्योंकि वहाँ बहुत लोग रहते हैं, एक फिल्म सिटी बहुत कम पड़ती है। राजू जी, मनसे की पार्टी है, जो राज ठाकरे की पार्टी है, उनका बीती रात एक पोस्टर लगाया जिसमें योगी आदित्यनाथ की तुलना गंगू तेली से कर दी गई। अच्छा, मैंने ये पोस्टर देखा नहीं है और इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आज जो मीटिंग हुई, जो पत्रकार वार्ता हुई, सबको बहुत सकारात्मक लग रहा है। सब एक पॉइंट पे तो सब लोग एक मत हैं कि रोज़गार जनरेट करने के लिए हर प्रयास करना चाहिए, मुंबई में भी, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी। क्योंकि महाराष्ट्र के नेता ही पहले कहते थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने अपने यहाँ लोगों को रोज़गार नहीं दिया, तो सब भाग भाग के मुंबई चले आते हैं, मुंबई में पानी कम पड़ रहा है, रास्ते पे चलते नहीं बनता, क्राउड बहुत हो गया। तो काश वहाँ के लोग ईमानदारी से, वहाँ के नेता डेवलप करते हमारी तरह, तो लोगों को यहाँ आना नहीं पड़ता। तो इसी तरह सब वहाँ फैक्ट्री, एयरपोर्ट और फिल्म सिटी बन रही है। उत्तर प्रदेश से पलायन में ही हुआ, उत्तर प्रदेश की आबादी आप जानते हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश की आबादी आप जानते हैं कितनी है? उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है, और 24 करोड़ की आबादी को हर प्रकार से निवेश, जॉब क्रिएशन के लिए और रोजगार के लिए भी इसीलिए सब किए जा रहे हैं, ये सभी प्रयास उसमें किए जा रहे हैं। हर व्यक्ति मनरेगा में ही काम नहीं करता है, उसके पास अपनी विशेषज्ञता होती है, अपनी रुचि होती है, अपने कार्यक्रम होते हैं। और उत्तर प्रदेश, याद रखना, कोरोना कालखंड के अंदर सबसे अधिक रोजगार और सबसे अधिक जॉब ग्रेटर स्टेट भी है। 1,25,00,000 लोगों को उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ इस दौरान जॉब दी है, और इसको हम लोगों ने किया है, इसलिए उन कार्यक्रमों को लेकर के हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। सारी चीजें सामने आ चुकी है यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रदेश के अंदर हमारे पास अलग अलग सेक्टर में हम लोगों ने सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई है, उस पॉलिसीज के अंतर्गत हर निवेशक आकर के वहां पे निवेश कर सकता है और निवेश कर रहा है। यहां पर हम लोगों ने जिन निवेशकों ने प्रदेश के अंदर पहले से निवेश किया है, उन सभी निवेशकों के साथ मेरा एक तो यहाँ पे संवाद था। दूसरा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में जो लोग वहां पे निवेश कर रहे हैं या निवेश करने के इच्छुक हैं, जिसमें अडानी डिफेंस है, एनएमटी डिफेंस है, महिंद्रा डिफेंस है, हिंदुजा है, सीमेंस है, इन सभी अन्य जो इस प्रकार के स्टेक होल्डर्स थे, इन सभी लोगों के साथ में हमारी हमने बैठक थी और उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है, उनके जो सुझाव थे उन पर भी चर्चाएं आगे बढ़ी। फिल्म सिटी के लिए भी क्या आवश्यकताएं हैं, लोगों की आज की जरूरतें क्या है, इन जरूरतों को आगे बढ़ाने के हिसाब में भी हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है। ये सारी चीजें एक साथ आगे बढ़ रही हैं, और हमारे लिए देश के अंदर सबसे अधिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश के अंदर है, 700 के आसपास हमारे पास अर्बन बॉडीज हैं,
लगभग 8 करोड़ की आबादी हमारी अर्बन बॉडीज में निवास करती है, उनकी बेहतर सुविधाएं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्रयास शासन स्तर पर होने चाहिए, उसमें उत्तर भारत का पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लखनऊ बना है जिसने बॉन्ड जारी किए हैं। तो ये एक साथ ही प्रक्रिया, क्योंकि लखनऊ के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद फिर हम अन्य म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे न केवल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कार्य पद्धति में शुचिता और पारदर्शिता दिखे, बल्कि वित्तीय अनुशासन का एक भाव भी हर कॉर्पोरेशन के अंदर पैदा और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ सके, ये इसके पीछे की मंशा है। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के सामने कि हम बेहतर सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ाने के कार्य। धन्यवाद।